हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि किस फ्रूट्स में कितनी कैलोरी होती है। फ्रूट्स को हम ध्यान में नहीं रखते हैं और किसी भी वक्त खा लेते हैं, चाहे वो शाम का समय हो, रात का समय हो या कभी भी। लेकिन इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें फ्रूट्स किस टाइम पे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे फ्रूट्स के ऊपर उसकी पीस या कितना और क्वांटिटी उसकी लिख कर रखी है। आप उसको देखकर समझ सकते हो कि एक फ्रूट से या एक पीस खाने से हमें उसमें कितनी कैलोरी मिलेगी। हम जितनी ज़्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे, हमारा वेट उतना गेन होगा। इसीलिए शाम को कभी भी फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स खाने का सही समय मॉर्निंग या दोपहर में होता है, आफ्टरनून के समय में। इसके बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और उसकी भी क्वांटिटी को आप इसकी कैलोरी के हिसाब से खाइएगा। ज़्यादा ओवरवेट खाने की वजह से वेट गेन होता है। ये भी हमारी मोटापे का बहुत बड़ा रीज़न कहला सकता है। फ्रूट हेल्दी होते हैं, ये नहीं कोई कहता है कि फ्रूट हेल्दी नहीं होते, बहुत हेल्दी होते हैं फ्रूट। लेकिन उसको सही समय पर सही मात्रा में अगर नहीं खाया जाए तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। इसीलिए गाइस, मैंने ये सारे फ्रूट्स की क्वांटिटी और इसमें कैलोरी कितनी मात्रा में पाई जाती है सारी दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए। ओके गाइस, ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए मुझे फॉलो करिए एंड कमेंट्स करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।